الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير عزيز طلبة آج الفعل المضارع پڑھتے मदारा कोरबी में कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं डॉक्टर नासिर में आज आपको आ, इस फैल मुदारा बनाने का कायदा और इसको इसके तमाम इसकी कंजुकेशन और इसकी इस यानी फैल मुदारा जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं और क्या आ, करते हैं वह सारी चीज़ें इन शिक्स करेंगे तो आइए हम शुरू करते हैं शुरू करेंगे हम कहाँ से शुरू करेंगे हम पॉइंट नंबर वन हमारा होगा वो ये है कि पहले मुदारा जो है इसको बनाने का कायदा क्या है पहले मुदारा बनाने का कायदा क्या है ठीक है how to make it. How to make it. इसको कैसे बनाएंगे सिंपल इसमें सिंपल क्या होता है एक पॉइंट वो ये कि कि भाई आ, जो आ, क्या नाम है आ, ये है फैले मादी है फैले माजी से आपने जो यानी फैलो अलमादी जो है आप क्या करेंगे इस फेल माजी को फैल माजी से पहले आप लगाएंगे आ, अलामत मुजाह में ऐसी कोई अलामत है. क्या फैल माजी से पहले अब मैं यहाँ लिखूंगा क्योंकि हमें पहले माजी से पहले लिखना है पहले माजी से पहले लिखेंगे हम मतलब मुदारा मुजार में से कोई मैं लिखूंगा मुदारा प्लस फैल माजी मुजारा प्लस फैल माजी तो बनेगा क्या फैल मुजारा ठीक है अब आप कहेंगे सर ये अलामत अलामत मुदारा क्या क्या है अलामतुलमजारा अलामतु क्या क्या है तो मैं आपको बताऊंगा ये चार हैं कितने हैं चार एक या नंबर दो ता नंबर तीन हमजा या आरिफ नंबर चार नून या ता आरिफ इस ता के ऊपर भी जबर आलिफ और नून या अब आप क्या नाम है ये पूछेंगे कि सर पहले मुदारा की भी के भी चौदह से होते हैं जिस तरह पहले माजी के चौदह से होते हैं अब या को हम कहाँ लगाएंगे ता को कहाँ लगाएंगे आलिफ को कहाँ लगाएंगे हमजा को कहाँ लगाएंगे और नून को कहाँ लगाएंगे तो इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई करने की कोशिश करूंगा देखिए ये हमजा जो है ना पहले हम इसी से शुरू करेंगे हमजा से शुरू करेंगे अगर आपको याद हो जमीर की गर्दान, आना आना तो ये वही हमजा है तो इसका मतलब यह है कि हम हम मुतकलम के दो सेगो में से जो वाहिद का सेगा है उसी वाहिद मुतकल्लिम वाहिद मुतकल्लिम के सेगे में वाहि मुतकलम के सेगे के साथ हमजा लगाएंगे यानी जब आपको कहना हो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वर्ड है मैं लिखूंगा नाव नाउ मीनस फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्ड है जाला साहब जाला साथ को मुझे बनाना लिखना है कि मैं बैठता हूँ मैं बैठता हूँ तो मैं लिखूंगा उससे पहले आलिफ तो जीम जो है ये जीम ये साकिन बनेगा क्या बनेगा आज और फिर लाम फिर सीन तो ये बन गया भाई आई सॉरी माने के ऊपर अब बाद में आऊंगा फिलहाल में तो इसी तरह लास्ट में नून है हमारे पास दूसरा पॉइंट आप जो सीख रहे हैं नून ये नून भी एक ही सेगे के साथ आता है वो क्या है नहनु का जो आप गर्दान पे ये पढ़ते हैं उसमें है यानी जमा, जमा है। हम सब लोग बैठते हैं या हम सब लोग बैठेंगे तो जालस जीम लामसिन जो है इससे पहले हम नून ऐड करेंगे तो ये बनेगा नून जी लाम सीम नाजिलिस, ख्याल कीजिए ये जलासा बन गया और ये क्या बन गया ये जलासा बन गया और ये क्या बन गया ये नजलिस बन गया वो अजलसु बन गया और ये नजलिस बन गया आप समझ रहे हैं ना शाबाश हमने यहाँ क्या ऐड कर दिया अलिफ हमने अलिफ ऐड कर दिया और यहाँ हमने नून ऐड कर दिया आपको आ रहा है ना अंदाजा हमने नून ऐड कर दिया ठीक है तो ये दो आलिफ और नून सिर्फ चौदह यानी गर्दान के चौदह में सिर्फ ये लास्ट के दो सेगो में इस्तेमाल होते हैं हमजा वाहिद सेगे में वाहिद मतकलम और नून जो है नून जो है जमा मुतकलम है बस अब हमारे पास या और ता सब ज़्या है सबसे ज्यादा यही होते हैं या और सबसे ज्यादा यही होते हैं या और ता पहले मैं या की तरफ आऊंगा क्योंकि या जो है ये कम होता है इस्तेमाल या कम होता है इस्तेमाल ये या जो है ये कम होता है इस्तेमाल शाबाश तो ये या जो है ये होता है इस्तेमाल कहाँ सिर्फ चार सेगो में कितने सेगो में चार सेगो में चार सेगो में वो चार सेगे क्या क्या है एक तो जो आप गर्दान शुरू करते हैं जो वाहिद मुजक्र तस्मिया मुजकर जमा मुजकर गायब ये तीन सेगे जो है इन तीन सेगो के लिए मैं इस तरह लिखूंगा इसको मैं थोड़ा ये करूंगा नीचे लाऊंगा मैं कहूंगा वाहिद आ, मुदक्कर, वाहिद मुजक्कर गाइब वाहिद मुजक्कर गाइब और आ, फिर आता है तस्निया मुदकर तास नून तस्निया तस्निया मुदकर मुजक्कर गायब तस्निया मुदकर गायब और फिर जमा मुदर गायब जी मीम एन जमा मुजकर गायब जमा मुदकर गायब तो ये कोई तीन फिर गर्दान जब हम पढ़ते हैं तो वहां आता है मोनस गायब वहाँ आता है वाहिद मोनस गायब तस्निया मोनस गायब लेकिन उनके साथ या नहीं उनके साथ ताल तालती है फिर आती है जमा मोनस गायब अलब जमा मोहनस गायब के साथ यानि मोहनज के जमा के साथ जीम मा वो एन जमा मुअन्नस, जमा, मुअन्नस, गायब जो है इसके साथ भी तो ये चार से आ गए इन चार के साथ क्या लगती है इन चार से ये लगती है तो मुझे बताइए आप ये चार और ये दो कितने हो गए हो गए छह सेगे तो टोटल कितने सेगे होते हैं चौदह सेगे तो फिर कितने सेगे बज गए आठ से गे बज गए शबाश आठ सेगो में ता लगती है आठ सेगू में ता लगती है। है शबाश तो अगर आप यहां जो है आ, मैं इसको लिखूंगा ता ये ता जो है इसको हम क्या करते हैं इसको हम बराबर कितने सेगु में आठ सेगो में लिखते हैं आठ सेगो में लिखते हैं आठ सेगो में वो आठ सेगे क्या है सिंपल याद रखने का तरीका हाजिर के जो छह सेगे हैं उन सब में ये लगता है मैं इस तरह लिखूंगा हाजिर आ, हाजिर के छह से गे क्योंकि के लिखने का यहां अरबी में मेरे पास मैं लिखूंगा की हाजिर के छ से गे से गे हाजिर के छ से ठीक है हाजिर के छू में और हाजिर के छे फिर हमारे पास बच गए क्या ये जमा मोनस गायब के दो से गे वाहिद मोहनज गायब और तस्निया मोनस गायब तो हम लिखेंगे वाहिद

आप आइए कैसे बनाता है आपने देखा कि इस तरीके से हम जो है अलामती मुजारा को आ, माजी माजी के साथ प्रिफेक्स करते हैं तो हमारे पास जो है फैली मुदारा की गर्दान बनती है लेकिन अब क्वेश्चन है क्या सिर्फ इतना करने से फैली मुजाह की गर्दान बनती है नहीं पहले मैं आपको ये, ये बता दूं कि देखिए जब हम ये करते हैं तो हम 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 आएंगे ऐसे इस, इस पॉइंट पर दूसरे पॉइंट पर वो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्ड है फला फा, फा एन और फा एन और क्या है लाम फला मैंने आपको बता दिया कि भाई इस फा के ऊपर हमेशा जो है क्या रहती है माजी में जबर रहती है और एन के ऊपर जबर जेर पेश तीनों आती हैं और लाम के ऊपर जबर आती है ठीक है ये मैंने बता दिया लेकिन अब जब हम इस फला के साथ क्या करेंगे अब हम इस फला के साथ क्या करेंगे इसके ऊपर इन चार मुजाहरा या 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 है ठीक और फिर मुझे ये फा लगाना पड़ेगा कौन सा फा ये फा जो है लेकिन फा यहाँ माजी में क्या था जबर वाला लेकिन मुजाहरे में ये जजम वाला बनेगा यानी सुकून इसके ऊपर आएगी तो इसके ऊपर जबर, जबर जो है वो वो हम इस इस अलामती मुदार को दे देंगे इस या को दे देंगे जिसको मैं यहाँ थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ हमने या को इस फा की जबर दे दी और फा को हमने साकिन बना दिया फा को हमने क्या कर दिया साकिन बना दिया फिर एन कलमा है इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा एन कलमा के ऊपर अलबत् फिर लाम है फिर लाम है मैंने आपको माजी पढ़ाते वक्त ये बोला कि लाम जो है माजी में ये रहता है फतहा वाला वाला उर्दू में कहते हैं जबर वाला रहता लेकिन मुजाहरा में ये मजमूम रहता है जम्मा वाला पेश वाला रहता है आप समझ रहे हैं ना जम्मा वाला क्या होता है पेश वाला आप जैसे आपने इसम को पढ़ा होगा इससे पहले अगर हम कोई भी इसम लिखते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं तो उसको पेश वाला पढ़ेंगे तब तक जब तक न उससे पहले कोई ऐसा आमिल, कोई ऐसा हरफ इस्तेमाल हो गया हो जो उसको जबर या जेर दे दे इसी तरह कायदा है फेल मुद्रा के मुतालिक। इसको याद कीजिए फेल मुद्रा के मुतालिक कायदा है इसको जरा याद कीजिए क्या वो सॉरी वो कायदा यह है कि भाई इसको आप क्या पढ़ेंगे इसको आप पढ़ेंगे मरफू क्या पढ़िए यानी मरफू मीन यानी पेश वाला यानी पेश वाला मैं बेश लिखूंगा पे, पे अरबी में नहीं है मैं तो मैं बे लिखूंगा बाये शीन बेश वाला मैं बेश वाला कहूंगा बेश वाले पेश वाला लिखते हैं इसको क्यों लिखते हैं पेश वाला क्योंकि जब तक न फेल मुजारा से पहले कोई जबर देने वाला या जजम देने वाला आ जाए हरफ आ जाए तब तक हम इसको पेश वाला ही लिखते हैं ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फेल मुजारा इज फेल मुजारा पेश वाला होता फैल मुदारा पेश वाला होता है ठीक है ना तो आपने यहाँ देखा माजी में फैल मुदारा जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यह है कि भाई ये तो इसका आखिर जो है वो जबर पर खत्म होता है मबनी जबर होता है लेकिन फैल मुदारा जो है फैल मुजहरा जबर वाला नहीं होता है फैल मुदारा पेश वाला होता है तो क्लियर हो गई बात अब एन कलमा पे आइए है एन कलमा जो है इस एन कलमा के साथ एक अलग मसला है मैं इस तरह लिखूंगा एन कलमा एन कलमा जो है इसको हम लिखेंगे ऐसे ही आ, कि एन कलमा जो है इसके ऊपर कभी जबर आती है सॉरी इसको मैं जरा बड़ा करके आपको बता दूं ताकि आपको आराम से इसको नजर आ जाए आ, ये देखिए जबर आपको नजर आ रही है शहबाश तो अब कभी जेर वाला होता है और कभी पेश वाला होता है जबर जेर और पेश ये देखे एहन कलमा तो इसका मतलब है, जैसे मैंने फैले माजी पढ़ाते वक्त कहा कि फा आ अल्लाह हो सकता है कभी कभी फा ई अल्लाह एन के नीचे जेर ई अला हो सकता है और कभी फा फ्ला हो सकता है यानी एन के ऊपर पेश हो सकता है यही सेम कायदा यहाँ है भाई मुदारा में इस एन के नीचे मुदारा में भी या तो पेश इसके ऊपर होगा सॉरी जबर होगी या इसके नीचे जेर होगी या इसके ऊपर पेश होगी तो तीनों को आपको यानी ये हम तीन तरीके से पढ़ सकते हैं यफ अलो यफ यफ ओलो ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सा सा जो है है किस है किस किस बाब बाब से से अब आप इनशा अवजान फैल सलासी मुजरत जो है वो आप आगे पढ़ेंगे इनशा तो तब आपको ये चीजें पूरी तरह समझ आ जाएंगी यहाँ आप इतना याद रखे की ऐन कलमा जो है फैल माजी में भी इसके ऊपर जबर जेर पेश आती है तीनों में से कोई भी और फैल मुदारा में भी इसके ऊपर जबर जेर और पेश आती है यानी कोई भी आ सकती है ये तो डिपेंड करता है कि फैल का वजन क्या है ठीक है तो ये फैल मुदारा को बनाने का कायदा था और इसको ये बताने का कायदा ये भी कि भाई कलमा के साथ क्या मसला आएगा और ये भी कि लाम कलमा के ऊपर कौन सी हरकत रहेगी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी हरकत है ठीक है अब हम आएंगे किस पर पांचवें पॉइंट पे जो जिसको हम कहेंगे तशरीफ ताशरीफ यानी गर्दान यानी गर्दान गर्दान इसकी यानी हम अब फैले मुदारा की जो है फैले मुदारा की गर्दान पढ़ेंगे फैले मुदारा की गर्दान पढ़ते वक्त आप क्या करेंगे आप सबसे पहले ये कहेंगे भाई ये क्या नाम है मैं यही लिखूंगा फ़ाला से यफ आलो या, या, या के ऊपर मैं जबर लगाऊंगा फा को मैं साकिन करूंगा यफ एन के ऊपर जबर लगाऊंगा मैं फिलहाल समझने के लिए और लाम के ऊपर पेश या फालो या अच्छा तरीका यह कि के ऊपर मैं जब कुछ नहीं लगाऊंगा तो लाम के ऊपर मैं पेश लगाऊंगा ताकि आपको याद रहे कि किन के ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है के ऊपर गड़बड़ है तो आप इस गड़बड़ को जो है ऐसे ही समझने की कोशिश करें ये हो गया या फलो ठीक है भाई या फलो देखिए अब हम इस या फलो को समझने में कि भाई यह कौन सा है या फलो जो है इसमें सॉरी इसमें हमने एक तो हमने अलामत मुजारा यानी या लगा दी फिर प्लस फा एन लाम यानी फैल मुदारा बस और कुछ नहीं ऐड कर दिया प्लस इसमें कुछ नहीं है प्लस इसमें कुछ नहीं है आइए पहले दूसरा सेगा देखते हैं दूसरा सेगा बनेगा या फा एन लाम और फिर अलिफ जो वहां आपने सीखा था कि तस्निया बनाते वक्त अलिफ डालते हैं या फ और एक नून जेर ने नून जेर, या 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 जो है, अब इसकी तीन चीजें आ गई तो हमने फाला से पहले इसको कर दी, अलामती मुजहरा और इसके बाद से फेकस कर दिया हमने इलिफ नून, इस इलिफ नून के बारे में हमें अभी सोचना है यार ये क्या है आगे बढ़ेंगे एलिफ नून के बाद में फिर बाद में करूंगा। तो तीसरा सी कहा आता है यफ अलूना यफ अलूना यफ अलूना यफ देखिए क्या किया हुने? हमने हमने अलामत मुजरा या डाल दी और फिर हमने प्लस का एन लाम डाल दिया फिर हमने प्लस कर दिया वाव और नून यफ अलूना नून जबरना ठीक है ये सिया को आप जानते हैं ये अलामत मुजहरा है ये फा एन लाम तो अपनेजिनल फैल की शक्ल है ये वाह नून क्या है इसको पढ़ना है चलिए तो हो गए तीन सेगे वाहिद मुजक्र के तीन सेगे आगे बढ़ेंगे गर्दान को लिखेंगे फिर आता है मैंने कहा कि या लगेगी फिर और जमा मुजकर गायब के तीन सेग के साथ या फिर आ गया वाहिद तो इसके साथ ता लगती है तो बनेगा तफ अ तफ तफ देखिए क्या किया हमने ता ऐड कर दी ये अलामती मुदारा है फिर हमने फाला ऐड कर दिया और कुछ नहीं ठीक है मैं जरा इसके साथ इसके नीचे जो मैं एक एक लाइन खींचूंगा ताकि आप तीन तीन को अलग पढ़ेंगे। शाबाश। अब आगे बढ़ेंगे इसके सर जैसे आपने यहाँ तस्निया बनाते वक्त ऊपर मुदक्कर में या फलानी लिखा जहाँ कर्सर है तो इसी तरह आप यहाँ भी आ, क्या नाम है आ, इस तरह आप जैसे यहाँ या फाला इस तरह आप यहाँ ताफा लानी लिखेंगे ताफा लिखेंगे ठीक है अब देखिए क्या लिखेंगे हम ताफा एं लाम अलिफ ला नून ठीक है देखिए हमने क्या कर दिया ता बढ़ा दी फिर प्लस फा ए लाम फिर प्लस क्या अलिफ नून जेर ने ताफा लानी ठीक है तो दो से साथ ता आ गया ऊपर तीन से तीन सेगो के साथ या या या, या ना। अब ये या जो है चौथे में यहाँ आती है जमा मोनस गायब के साथ तो हम लिखेंगे अल अल देखिए क्या किया हमने एक तो या डाल दी फिर क्या है प्लस फम प्लस नून जबर न ठीक है तो आ गया भाई आपके आपके तीन और से ये के है? ये किसके हैं ये

देखिए क्या है यहाँ वही जो ऊपर आपने लिखा ता प्लस ठीक है ता फा आ फिर कहना है आपको आप दो लोगों ने किया दो मर्दों ने तो यही सेगा जो ऊपर आपने आवर, दो आवर, दो औरतों के लिए गायब की दो औरत थर्ड पर्सन जो है फेमनाइन के लिए लिखा यही सेगा यहाँ आएगा तो हम लिखेंगे ताफ अल इसलिए मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि ये इसको सीखना आसान है लेकिन जरा इसको आप जो है जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं ता प्लस प्लस ठीक है शाबाश अब चूंकि हम मुजक्कर को लिख रहे हैं ना कि मोनस को तो मुजक्कर के लिए जब लिखते हैं तो जम वाउल जमा लिखते हैं तो तीसरा सेगा यानी जमा का सेगा बनेगा तफ ठीक है अब यहाँ बताइए मुझे क्या ऐड कर दिया हमने एक तो हमने ताक बढ़ा दी दूसरा हमने फा एन लाम बढ़ा दिया और तीसरा हमने वाव नून जबरना बढ़ा दिया तो ये बन गया ताफ आलूना आ गए ये क्या मुजक्कर के कितने से सेगे मुजक्कर हाजिर के तीन सेगे शाबाश अब मुजक्कर सॉरी मोनस हाजिर के तीन सेगे हम पढ़ेंगे मोनस हाजिर के तीन सेगे देखिए कैसे आता है ताफ सॉरी ताफ आलीना ताफ देखिए क्या क्या ऐड करते हैं एक तो ता लगा दिया हमने कर दिया दिया फिर हमने फा एन लगा दिया, ठीक अपना फैल फिर हमने या नून बढ़ा दी या ओ नून, नून दबरना तफ अलीना या नून हमने बढ़ा दी ये जब भी हम फैल मुदारा में ये या नून किसी फैल के साथ बढ़ाते हैं जैसे तफ अजीना ज है बीन तो इसका मतलब होता है आप एक औरत यह काम कर रही हो या आप एक औरत यह काम करोगी जैसे आप किसको किसी को किस, किस कहना है आपको किसी को किसी लड़की को कहना है कि भाई आपने आप खाना आप पी रही हो तो आपको आप उसको कहेंगे और बीना अगर आप कहेंगे उसको आप बैठ रही हो तो आप कहेंगे उसको तजना अगर आपने कहना है उससे कि आप जा रही हो तो आप कहेंगे तज है वगैरह आगे जाकर मैं इनशाला चीजें और वाजिया करूँगा लेकिन फिलहाल हम वाहि हा... तस्निया हा... ये हाजिर का जो है दोस्त सेगा पढ़ेंगे ऊपर ये, ये देखिए आपने तहफा लानी तफा लानी मीनस ये इसको आपने दो यानी तस्निया मोनस गायब के लिए भी इस्तेमाल किया फिर यहाँ हाजिर में आ गया तो ये तस्निया मुजक्कर हाजिर के लिए भी इस्तेमाल हो गया और यही सेगा यहाँ तस्निया मोनस हाजिर के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा तो यहां फिर से आएगा देखिए क्या है ता प्लस और प्लस सॉरी सॉरीफ नून तफ अलानी शाबाश तो अब हमें लिखना है आप सब औरतें ये काम कर रही हो जैसे ऊपर आपने लिखा वो सब औरतें ये काम कर रही हैं तो आपने नून जबरना डाल दिया लास्ट में तो यही हम लिखेंगे या अल्लाह वो सब औरतें काम कर रही हैं तफ अल् तुम सब औरतें ये काम कर रही हो तो आइए लिखते हैं तफ अल नून जबरना तो देखिए क्या हो गया ता फिर हमने प्लस फा एम फिर क्या कर दिया हमने नून जबरना लगा दिया तो बन गया ताफ़ इसको भाई आ, कहते हैं ये हाजिर के छह से ये कंप्लीट हो गए ठीक है तो और हो गए बारह अब आपको सिर्फ मुतकलम के दो से ये पढ़ना है जैसे मैंने इब्तदा में बताया था वाहिद मुतकल के लिए हमजा लगाते हैं यानी अफ अलो अफ अलो तो इस तरह कहेंगे हम हमजा फिर हमने प्लस नाम लगा दिया फिर नीचे जय महमुद कलीम के लिए लगाते हैं नफ आलो क्या कहते हैं नफ आलो हमने नून जबरना और प्लस हमने ऐड कर दिया गर्दानकम्मल हो गई गर्दानफा तफ आलो तफा सॉरी गर्दान, ये गर्दान, ये गर्दान, ये गर्दान अब हम इस गर्दान का जो है एक अहम पॉइंट जिसको हमने अभी बाकी छोड़ा वो ये देखना है कि भाई हम इसको जरा ये देखें कि कितने से गे ऐसे हैं जिनके साथ आपने सिर्फ अलामती मुजारा डाल दी और फिर फा एन लिखा बस बाकी तो आपने इस ऐसे ही रहने दिया बाकी आपने इसके साथ छेड़ा नहीं ये कितने से गे हैं टोटल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना जितना अगर आप इसको समझ सकें तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शाबाश तो बताइए अगर आप जानते हैं तो आप बताइए शाबाश। हम इसको गिन लेंगे आप शायद इसको समझ नहीं पाएंगे इस तरह देखिए पहले हम यह देखेंगे कि अलामत मुजारा प्लस फा एन लाम इस तरह के कितने सेगे हैं देखिए पहला सेगा एक तो यहाँ है हो गए एक ठीक और फिर यहाँ ताफ़लो हो गए दो फिर यहाँ ताफा हो गए तीन फिर यहाँ फॉलो और फॉलो कितने हो गए हो गए पांच सेगे कितने सेगे हो गए पांच सेगे हम इसको लिखेंगे कि पांच सेगों में पांच सेगो में क्या है पांच सेगो में हमने देखा कि सिर्फ अलामती मुदारा अलामतुल अलामतुल मुजारा है और प्लस फेल है बस पांच so, तो टोटल कितने सेगे होते हैं चौदह सेगे चौदह में से पांच काट लेंगे तो नाइन सेगे बच गए। कितने सेगे नाइन सेगे नाव से गु में नाव से गु में आप क्या देखेंगे नाउ सेगू में आप देखेंगे कि भाई आखिर में या तो या तो, या तो यानी अलामती मुजाहरा यानी जो ये आएगा मैं ऐसी लिखूंगा इसकी पैटर्न ये होगा अलामती मुदहरा अलामतुलमुजारा अलामतुल मुदारा और प्लस लाम, प्लस कुछ एड हो गया होगा वो कुछ क्या है वो कुछ ये है या तो फॉर एग्जाम्पल एलिफ नून जेरने एड हो गया होगा ठीक या तो वाव नून सॉरी जब, वून जबरना एड हो गया होगा कितने हो गए दो चीजें या नून सॉरी नून जबरना एड हो गया होगा ठीक है कितने आ गए तीन या या नून जबर सॉरी या नून जबर ना ऐड हो गया होगा ये चार समझ रहे हैं तो ये चार अब आप देखेंगे कि भाई यार ये ये नाउ से ये जो है इनमें अलिफ नून जेर में कितनी जगह इस्तेमाल हो गया है अब हो हो आपके आप पास, पास, आप आप पास पड़ी हो तो आप ये देखेंगे की जितने भी तस्ने के सेगे हैं जितने भी तस्ने के, के, के चाहे वो मुजक्कर के हों या मोहनज के चाहे वो हाजिर के हों या गायब के क्योंकि जब आप तस्निया को देखेंगे देखिए हम यहाँ गर्दान से शुरू पहले से शुरू करेंगे या ला था ला था, ये फल ये तस्निया है यहाँ भी ऐड हो गया तो हो गया एक फिर आ गए यहाँ मोनस में तफ अलाने ये भी तस्निया है यहाँ भी ऐड हो गया हो गए दो फिर हाजिर के मुजक्कर के छह सेगे में आइए तफ अल यहाँ नून ऐड हो गया है कितनी हो गए तीन फिर हाजिर के मोनस के सेगे में आइए तफ अल तो यहाँ भी नून ऐड हो गया है कितने हो गए चार तो हम कहेंगे नून जो है चार तो मैं कहूंगा इस तरह तसनिया तस्निया के चार सेगो में तस्निया के चार यानी चार तस्निया में तस्नीह के चार सेगो में इस्तेमाल हो गया है फिर क्या है हमारे पास वाह नून जबरना मैं ये कहूंगा चूंकि मैंने माजी के वक्त आपको जब माजी पढ़ाया तो मैंने उस वक्त आपको बताया कि वाव जो है ये जमा के लिए आता है जमा मुजक्कर के लिए कुदरती सी बात है जमा मुजक्कर दो ही जगह आ गया एक तो गायब में आ गया एक तो हाजिर में आ गया तो इसका मतलब ये कि हमने इसको कितनी जगह इस्तेमाल किया होगा दो जमा मुज़क़र में कितने में दो जम, जी में, जमा जी जम, जमा जमा मुजक्कर में दो जमा मुजक्कर में हमने इसको इस्तेमाल किया होगा दो जमा मुजक्कर में लेकिन फिर भी हम ये क्या करेंगे हम इसको फिर भी जो है चक करेंगे ये देखिए गर्दन शुरू करेंगे या फलो या फलाइन या फाल आ गया शाबाश फिर तो मोनुस के तीन से गए इसमें नहीं है फिर हाजिर के तीन से गए तो तो दो फिर के तीन से गए इसमें भी नहीं है और ये के दो से गए इसमें भी नहीं है तो जगह आ गया दो जगह आ गया इसके बाद हम देखेंगे भाई नून जबरना जो है ये कितनी जगह इस्तेमाल हो गया होगा मैंने माजी पढ़ा वक्त आपको बताया कि इसको बोलते हैं नूनवा जब आपने वहा पढ़ा ना, जालस ना, वो सब लड़कियां बैठ गई शरीब ना उन सब लड़कियों ने खाना खाया ना उन सब लड़कियों ने मारा जहराब ना उन सब लड़कियों ने पीटा ठीक है इसी तरह ये नून का जो है यहाँ भी जमा मोनस के लिए इस्तेमाल होता है मोनस जमा की भी तो दो ही किस्में हैं जैसे ऊपर आपने दो जमा मुजक्कर लिखे तो दो जमा मोनस भी आएंगे ठीक है तो ये है। लेकिन फिर भी हम पहले लिखने से पहले चेक करेंगे देखिए या फलो या फलानी या फलूना तो मुजक्कर इसमें नहीं है अब मोनस है ता ता या ये देखो या फलना नून जबरना यहाँ तो या फलना इसी तरह अब हाजिर के मोनस के तीन से गुमे से जमा का सेगा जो होगा तफ आलना ये देखो यहाँ या फलना और ता फलना इन दो में नून आ गया ए, तो हम लिखेंगे भाई ये तो दो जमा दो जमा मोहनस के सेगु में दो जमा के में आया है आया है ये ठीक है ये नून जबर ना अब जबरना अब क्या बच गया हमारे पास या नून या नून जेर या या नून जबर ना। या नून जबर जबर ना ना अगर इसको मैंने आपको बताया कि नौ सेगु में आती हैं। क्या? नौ सेगु में आपको अलामत मुजाहरा प्लस फेल प्लस समथिंग आता है ये समथिंग इज इम्पॉर्टेंट ये समथिंग जो है ये इम्पोर्टेंट है जरा मैं इसको हाईलाइट करके आपको इसका कलर चेंज करूंगा ताकि आप इसको जो है सॉरी ये नहीं हो गया हाँ तो ये प्लस जो है यहाँ आपने देखा कैलिफ नून चार जगह पे तस्निया के वालों पे वार नून दो जगह नून एक चार दो हो गए छ हो दो हो गए आठ तो आप क्या बचा वहां एक तो ये एक जो है ये यहाँ हम लिखेंगे कि एक से है एक से लेकिन वो एक से का कौन सा है जिसमें यार नून एड होता है गरदान को थोड़ा सा लिखते वक्त मैंने इशारा किया था कि एक मोनस के लिए इस्तेमाल होता है जब आपको एक मोनस यानी सेकंड पर्सन मोनस आप किसी लड़की किसी औरत के साथ बात करते हैं आप उसको कहते हैं ना आप बैठ रही हो होना आप पी रही हो ताकुल ना आप खा रही हो ना आप कह रही हो ताजा भी आप जा रही हो तारा आप वापस लौट रही हो वगैरह में तक तू बीना आप लिख रही हो तक रहा आप पढ़ रही हो ये यहाँ होंगे ये होता है इस्तेमाल वाहिद मोनस वाहिद मोनस मगर हाजिर वाहिद मोनस हाजिर में इस्तेमाल होता है वाहिद मोनस हाजिर में इस्तेमाल होता वाहिद मोनस हाजिर में इस्तेमाल होता।, होता है आप समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं ना चलिए तो ये वाला क्लियर हो गया अब हमारे पास एक पॉइंट है बचना, बचा है वो क्या क्या आप ये हैरान हो जाएंगे कि ये फैल मुदायरा जो है इस फैल मुदायरा को जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या हो आपको ये लगेगा बड़ा मतलब एक, एक जो है मसला आपके साथ ही आएगा हाँ तो देखिए ये फेरे मुदारा की गर्दान जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको एक पॉइंट क्या आएगा नजर सारे सेगे ऐसे हैं जिनके आखिर में नून है चाहे वो नून नी है या नून जबरना मगर नून है लास्ट में क्या यानी अब हम ये सीखेंगे लास्ट में ये आ, इस वक्त जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि आखिर में जो है ये नून है सॉरी नून है इस नून के ऊपर भाई या तो ये नून जबरना है या फिर एक मिनट में इसको बढ़ा करके लिखता हूं ताकि आप इसको आराम से समझ सकेंगे नून जबरना या फिर क्या है नून यानी लास्ट में नून है नून की बात कर रहे हैं देखिए मैंने कहा आपको पहले मोदा के आखिर में नून है बहुत सारे से ऐसे हैं अगर आप गिन लेंगे तो तकरीबन ये सेजे जो है तकरीबन नए आएंगे देखिए कैसे तस्निया के चार आएंगे जमा मुजक्कर गायब के दो आएंगे तो हो गए छः और जमा मोनस गायब के दो आएंगे हो गए आठ और एक वाहिद मोनस हाजिर का आएगा इसका मतलब ये कि टोटल नून कितने हैं टोटल नून फैले मुजारा के सेगों के आखिर में है नाव कितने हैं ये यानी टोटल आते हैं इनकी तदाद टोटल कितनी है नाव नून है लेकिन ये नाव नून के एक ही कैटेगरी है अब हमारे पास सवाल खड़ा होता है नहीं ये नाउ नून जो है दो कैटेगरी में है नंबर एक एक कैटेगरी इसकी ये है सॉरी एक कैटेगरी ये है कि भाई जिसको हम बोलते हैं नून अराबी नून अराबी हम बोलते हैं नून अराबी नून अराबी वो मैं अभी समझाऊंगा नून अराबी किसको बोलते हैं और दूसरा जिसको हम बोलते हैं नूनवा 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 सिंपल है यानी जिसको हमने बोला कि औरतों का नून जमा मोनस जो है जो नून है या फालना फालना। यानी जहाँ आपने सिर्फ नून जबरना पड़ा ये नूनी नस्वा है ये नूनी नस्वा जो है भाई ये तो ये तो जमीर है ये चेंज नहीं हो जाएगी चाहे आप फेल मुजाह को कुछ भी करो ये अपनी जगह जो, जो है साबित कदम रहते हैं ये अपनी जगह जो है मुस्तकम रहते हैं ये चेंज वेंज नहीं होते ठीक है तो इनको हम बोलते हैं ये नून नस्वा जो है ये नून नून जो है जमाइर है जमीर है जो आप नीम या हो रही जमीर है ये नून जमीर, ये नून नस्वा नून जमीर है शबाश तो ऊपर जो आप आप कहेंगे कि अब नून अराबी जो है ये क्या है फिर नून अराबी मीनस ये इक्वल टू जो ऊपर आपने पढ़ा मैंने जो फैल मुदारक को इब्तदा में जो मैंने पढ़ाती पढ़ाती समय जो मैंने इब्तः में बताया था कि इसका लाम कलमा जो है वो लाम पेश लो होता है क्या होता है सॉरी लाम पेश लो जो है इसी ये नून एराबी जो है ये नून जो है नून जबर चाहे वो नून जबर ना हो या नून जी हो नून जबर नैसे तो ये नून जबना है असल में इक्वल टू है इस पेश जो लाम के ऊपर पेश है इसके बराबर है ये ठीक है तो असल में ये इस इसके पेश के बराबर है किस पेश के बराबर जो लाम कलमा के ऊपर होता है मैं इसको थोड़ा जो है ये करूंगा ताकि आप इसको सही समझे तो ये लाम पेश लो होता है बराबर ठीक तो ये दूसरा पॉइंट हो गया अब आप ये कहेंगे कि भाई पहले हम क्या करें क्या करेंगे अब हम पहले वापस जाएंगे वही वहीं पे जहां पे हमने गर्दान लिखी थी हम इस गर्दान का जरा मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे ठीक है अब हम क्या करेंगे मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि मेरे इसमें सिर्फ अरबिक और इंग्लिश है तो मैं क्या करूंगा मैं सिर्फ इंग्लिश में आपको दिखा दूंगा या फलो मीनस वो एक मर्द यानी ब्रैकेट में हम लिखेंगे ए मैन ही वैसे आप खुद समझेंगे ही डज ऊपर आपने लिखा था ही जब आपने फेल वो पढ़ा था आ, आ, क्या नाम है माजी, तो आपने लिखा था ही आप लिखते हैं ही डज यानी विज लिखेंगे या ही विम्पॉर्टेंट है ही डज या ही तो अब यहाँ आइए ये दो है इन दो के लिए क्या करेंगे हम इन दो के लिए हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे वहां आपने लिखा दे डिड यहां लिखेंगे हम दे दे टू मैन डू दे टू मैन डू या लिखेंगे दे टू मैन विल डू विल डू दे टू मैन डू या दे टू में दो आदमी करते हैं या वो दो आदमी करेंगे वो दो आदमी करेंगे ठीक है अब आप जमा में आइए ये।, ये जमा जो है यहाँ <coughs> जमा में चूंकि जमा मीन प्लूरल या फलून है मैंने कहा वाव जो है वाह जमा है इट मीन्स दे ऑल मैन वो सब यहाँ दे मैनी मैन ऑल क्या दे मैनी मैन दो से ज्यादा यानी ऑल को ज्यादा जा, अच्छा मैं ये लिखूंगा आपकी समझ के लिए टू प्लस टू प्लस सॉरी टू प्लस मैन जो है टू प्लस दो से ज्यादा आदमी दे दे प्लस यानी ऑल या मैनी मैन दे डू या लिखेंगे हम दे विल डू वो करते हैं या करेंगे वो करते हैं या करेंगे अब हम आएंगे मोनस के सहगे पर मोनस के सहगे के साथ हम लिखेंगे क्या आपने मुजर के सेगे में लिखा शी ही डू यहाँ लिखेंगे she, वहां लिखा आपने ही डज यहाँ लिखेंगे आप शी या लिखेंगे ठीक है तो यहां भी आप करेंगे यहाँ ताफा लाने हैं इट मीनस दो उन दो औरतों ने वो दो औरतें करती हैं या करेंगी देन डब्ल्यू एम एन दे टू वुमेन डू या करती हैं या विल डू करेंगे विल डू करेंगे ठीक है करेंगे ठीक है अब यहां आइए या अलना मैंने यहां बता दिया याफ अलना जो है ये नून जबरना जमीर है इट मीनस वो, उन सब औरत वो सब औरत ये काम करती हैं या करेंगी इट मीनस दे ऑल वुमेन डू या विल डू वो सब औरतें करती है या करेंगे हो ये हो गए गायब के, के छह से अब आइए हाजिर के हाजिर के छह से पे पहले मुजकर के तीन से गे इट मीन आप एक मर्द करते हैं यू मैं इस तरह लिखूंगा यू वन मैन वन मैन यू वन मैन डू या यू वन मैन विल डू आप एक मर्द करते हैं या करेंगे ठीक है यहां तस्निया है तो इट मीनस यू टू मैन डू या विल डू आप दो मर्द करते हैं या करेंगे इस तरह तफा ढूंढा पे आएंगे यानी प्लुरल में हम कहेंगे यू टू प्लस मैं लिखूंगा मेनी या हम कभी लिखते हैं ऑल कभी लिखते हैं टू प्लस टू प्लस यानी दो से ज्यादा आदमी मैन मैन सॉरी डू 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 या या विल ठीक है तो ये आ गई आपके पास भाई हाजिर की तीन से मुजा करके अब हम मोनस के तफअलीना मैंने इसको या नून को जरा हाईलाइट में करूंगा ताकि आप इसको जो है हमेशा याद रखेंगे जब भी आप इस फेल मुदारा को पढ़ेंगे इसको आप याद कीजिए यहाँ देखिए तफ अलीना जो है अगर आपको किसी मर्द को कहना है कि आपने ये काम किया तो आप कहेंगे अगर आपको किसी औरत को ये कहना है कि आप कर रही हो ये काम तो आप कहेंगे आप एक मर्द बैठ रहे हैं आप कह रहे हैं आप आप एक औरत बैठ रही हो तकुलो आप एक मर्द कह रहे हो तकुल आप एक औरत कह रही हो ताजा आप एक मर्द जा रहे हो ताजाबीन आप एक औरत जा रही हो तो ताजाबीना मीनस यू यू अब यहाँ दो के बारे में लिखना है तो हम तफा लाइन मीन आप दो औरतें करती हो या करोगी तो हम लिखेंगे यू टू वोमन डब्ल्यू एम ए एन वोमेन डू या विल और ठीक है अब यहाँ फिर से आइए जमा के बारे में हम कहेंगे क्या कहेंगे आप सब औरतें हैं वहां ऊपर आपने पढ़ा यहाँ आप नीचे पढ़ रहे हैं तफ अलना तो आप कहेंगे यू ऑल सॉरी यू ऑल वोमेन या कहेंगे यू मैनी वोमेन या कहेंगे यू टू प्लस वोमेन है दो से ज्यादा औरतें हैं डब्ल्यू एम वोमेन डू या विल डू आप सब आप दो दो से ज्यादा औरतें क्या ये काम करती हो या ये काम करोगी ठीक है अब हम मुतम के दो से गे के माने पे आएंगे यहाँ आप देखिए हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इसके साथ कि मैं एक मर्द या मैं एक औरत आये आय मेल और फीमेल मेल वर्सेस फीमेल दोनों कह सकते हैं लड़की भी कहेगी लड़का भी आई डू आई Will will do, I will do. I अब यहाँ ये, ये जमा का सेगा है जमा मुतकलिम का सेगा जमा मुतकलिम के सेगे का माने होगा वुई? क्या? वुई? मेल फीमेल यानी मर्द और खातन दोनों या वुई? वुई वुई विल 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 ये रहा का, इसका माने भी जिसका ये जो है क्या नाम है आ, हाजिर और गायब के सेगे जो है की सेगे यानी फैले माजी मारूफ फैले मुदारा के इनका माने ये रहा ठीक है तो अब आप चूंकि मा, माने तो आपको पता चला अब आप ये सेगे, ये देखेंगे कि भाई ये सेगे जो है चूंकि यहां मैं इसको जरा एक मिनट एडजस्ट करता हूं तो ये है फैले माजी की गर्दान ये बनाने का कायदा मैंने दिखाया आपको और मैंने देखा है कि इसके साथ रिफेक्स क्या क्या होती है अलामत मुजारा क्या क्या होती है इसके साथ फिर फैल होता है फिर सेफेक्स हो जाती है क्योंकि कुछ चीज़ों का हमने जायजा ले लिया ले, लेकिन अभी हमने सिफेक्स जो है अलिफ नून वाह नून या नून वगैरह अभी हमने नून के बारे में आपको कुछ दो चार चीजें बता दी ये कि नून जो है दो किस्म का होता है एक को नून अरबी बोलते हैं और एक नून निसवा बोलते हैं नून हमेशा अपनी जगह मुस्तकम रहता है ये कभी डिलीट नहीं होता है और इसके साथ इसके ऊपर जबर रहती है आप क्या आपको कहना है यह फालना वो सब औरतें कर रही हैं ताफालना वो सब ये सब औरतें आप सब औरतें कर रही हैं तो मसला खत्म हो गया लेकिन वो कभी चाह नहीं लेकिन एक मसला कभी आता है वो क्या है पहले हम ये करेंगे कि यह फालू जो है पहला सेगा हमारे पास इसके उसके आखिर में तो कुछ है नहीं तो इसलिए इसके इसको छेड़ना नहीं है पांच से के हमने बताया कि ऐसे हैं जिनके आखिर में कुछ इजाफा नहीं हुआ होता है तो इसलिए आप वहां जो है आप वहां जो है, उन, उन, उनको, उनके साथ तो आपको कुछ नहीं करना है। फिर नौ से बचे हमारे पास नौ में नौ में से भी मैंने दो को बता दिया कि भाई इन दो को आपको कुछ नहीं करना है वो यही है जमा मोनस गायब का एक सेगा और जमा मोनस हाजिर का एक सेगा यानी य इनके साथ भी आपको कुछ नहीं करना है तो पांच और दो कितने हो गए हो गए सात अब सिर्फ सात सेगे ऐसे हैं कितने से के सात जिनके आखिर में नून है और ये नून कभी हजफ हो जाती है हमें जरा इनका जो है इनका पोस्टमार्टम करना है जरा हम इनका एक दिखा देंगे इनको कि इनके साथ क्या मसला होता है हम ज्यादा इसको नहीं करेंगे क्योंकि वहां तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी फिर लेकिन मैं जरा इसको हम इस इसमें फाइल जो है उसको जो है हम देखेंगे देखिए या फलो इसके साथ तो कुछ नहीं है आइए पहला सीता फलानी या फलाने फलाने या या फलाने में लास्ट पे अलिफ नून है ये नून जो है इसको मैंने बोला कि ये 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 जो है ये, ये नून एरबी है यानी पेश के बदले है तो इसको छोड़िए लेकिन ये अलिफ क्या है मुझे ये बताया जाए अलिफ ये अलिफ क्या है ये अलिफ क्या है अलिफ क्या है ये अलिफ जो है ये अलिफ इज इक्वल टू फाइल ये अलिफ फाइल है क्या है यानी जब आप कहते हैं के तौर पे मैं कहता हूं आपको हामिद आपको ये सवाल करता हूं हामिदुन मोहम्मद मुहम्मदुन हामिद और मुहम्मद कहाँ है आप मुझे जवाब दे रहे हैं याद रानी याद रुसानी, याद रुसानी। सा जब, जब आपने कह दिया इसका मतलब वो दोनों पढ़ रहे हैं याद रुसानी वो पढ़ रहे हैं आप सो कहेंगे सो रहे हैं तो आप कहेंगे यह ना मायने तो अलिफ आपने लिखा इसमें तो ये अलिफ जो है ये असल में दो के बदले हैं तो फाइल के इस इस मतलब इस काम फाइल का, का काम देता है तस्निया भी है वो फाइल का, का काम देता ठीक तो नून जो है नून अराबी है इसको आप ताला आगे पढ़ेंगे जब आप कभी अफाय, खमसा पढ़ेंगे तो अफाय खमसा में आप ताला इन नून अराबी का जो है पूरी तरह जायजा लेंगे अब आई ये जमा कैसे कि मैं फलूना यहाँ भी है या हमने इस इससे फिर फायल है फिर वाव नून यहाँ भी नून जो है इस नून को क्या इस नून को ये कुछ नहीं करना क्योंकि नूने अराबी लेकिन वाव क्या है वाव क्या है वाव को मैंने बता दिया ये वाउल जमा है इट मीनस दे ऑल मैन आर डूइंग दिस थिंग ओके समथिंग जो फेल है दे ऑल मैन तो ये भी फायल है ये, ये सारे के सारे जो आप इसमें देखेंगे ये फाइल है अब तफलो में कुछ ऐड नहीं है फिर ताफालानी आ गया तस्नी सेगा यहाँ फिर से अलिफ जो है अलिफ क्या आएगा अलिफ फिर से यहाँ फाइल है यानी फाइल का, का काम करता है और या फलानी जो है ये सॉरीफ या या अल नून जो है ये नून इंपॉर्टेंट है इसी का तो मैं बता रहा था कि ये नून जो यहाँ है नून जबरना ये नून जबरना जो है ये फाइल है ये जमीर है ये वो नहीं है कौन ये वो नहीं है जिसको आप नून अरबी कहते हैं ये तो नून नूनवा है तो ये नून फाइल है यहाँ अब इस तरह ताफा इसमें कुछ ऐड नहीं है ताफा लाइनी फिर से यहाँ एलिफ आ गया एलिफ चार जगह पे आएगा कितनी जगह पे एलिफ चार जगह पे आएगा ये एलिप जो है हर जगह फाइल है फाइल का, का काम करता है यहाँ फिर से आ गया जमा में वाव ये वाव जो है फाइल का, का काम करता है तो इसको भी हम फाइल मानेंगे ठीक है आगे बढ़ेंगे फलिन हाँ तो यहाँ आइए यहाँ मसला है हमारे पास यहाँ दो ऐड हो गई एक तो या एक या हो गया ऐड तो हम इस या को जरा इस तरह लिखेंगे ये या जो है फाइल है या फाइल एक मीनस की वो वो आप एक औरत ये काम कर रही हो नून जो इसके में है वो नून ऐरा भी है वो गिरेगा कभी होगा कभी नहीं होगा लेकिन वो नून ऐरा भी है उसका मसला भी आप अफाइल खमसा पढ़ते वक्त समझेंगे ताला फिर तस्निया आ गया यहाँ फिर अलिफ आ गया तो फिर से हम अलिफ को अलिफ को कहेंगे भाई ये फाइल है और नून अराबी है ठीक है तफ अलना यहाँ फिर से जमा मोनस का कायदा है ये नून जबरना जो है ये ये फा जमीर है और फाइल का काम कर रही है ये नून अराबी नहीं बल्कि नून नूनवा है ठीक है अब यहाँ अफ आलो नफ इन दो में कोई चीज ऐड नहीं होती ये है फैल मुदारा क्या है मुजहरा बनाने का क्या है? और क्या है अब इसको जरा आप दो तीन बार जरा आप इसको देखिए अब इसको आप क्या करेंगे आप इसको जमीर के साथ भी पढ़ सकते हैं हुआ हुफाली हुफ आलो हुम तफ अफ अल्लाफ अल्ला أنتما تفعلان أنتم تفعلون أنت تفعلين أنتن تف أن... سوري. أنت... أنتما تفعلاني. تفعلنا أنا أفعل نحن نفعل تو مسئلہ ختم ہو گیا هم جو هي الله آپ میں ہم جو ہے एक्सरसाइजेस आप उनको करने की कोशिश कीजिए जहां आप फंसेंगे वहां आप मेरे साथ कांटेक्ट करेंगे मैं यहीं पे आज के इस लेसन का अख्तितम कर रहा हूं इन तो ताला कभी मौका मिला तो फेल मुदारा को मज़ीद चीज़ें जो है इसके साथ वापस था उनको ताला तो उस उस लेसन में हम समझाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तब तक के लिए खुदाफिज असल वरम्हि वह